हेलो क्लास, वेलकम टू अनामिका मैम्स क्लासरूम। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज लेके आई हूँ। वो है कि स्कूल रीओपनिंग के बारे में। ये तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी है, लगभग सब स्टूडेंट का क्वेरी है कि कब स्कूल ओपन होगा मैम। तो जो न्यूज मेरे पास आया है वो है कि शायद फर्स्ट सेप्टेम्बर से स्कूल रीओपन हो सकता है। तो क्या होगा, कुछ तो रूल्स रेगुलेशन मान के ये होगा कि 1 सितंबर से 15 नवंबर तक, मतलब ये जो 2.5 मंथ्स है, ये 2.5 मंथ्स एक प्लान के अंडर आएगा। मतलब कुछ रूल्स फॉलो होगा, कुछ देखा जाएगा कि ये वर्क कर रहा कि नहीं। अगर ये वर्क करेगा तब ये कंटिन्यू होगा, नहीं तो कुछ दूसरा डिसीशन लिया जाएगा। तो क्या होगा, ये जो 1 सितंबर से 15 नवंबर तक, दैट मींस 2.5 मंथ, तो इसमें अगर जो छुट्टी है, दशहरा और दिवाली जो छुट्टी है वो छुट्टी दिया जाएगा और बाकी टाइम स्कूल होगा। तो कैसे होगा, नॉर्मल तो जैसे होता है ऑफलाइन स्कूल वो तो नहीं हो सकता। तो जो प्लान किया गया है वो है कि सब अभी सब एकदम क्लास 1 और नर्सरी से 12th तक सब स्टूडेंट चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ 10, 11, 12, अगेन रिपीट 10, 11, 12, ये जो हायर क्लासेस है स्कूल का, सबसे हायर क्लासेस, 3 हायर क्लासेस, ये लोग जाएंगे स्कूल पहले। और ये ऐसा नहीं कि सब लोग, सब क्लास का पूरा होल स्ट्रेंथ एक साथ चले जाएंगे। क्लास का जो होल स्ट्रेंथ है इन तीनों क्लास का, हर सेक्शन का, सेक्शन वाइज 10, 11 एंड 12, सेक्शन वाइज 50% अटेंडेंस रहेगा, 50% स्टूडेंट्स एक दिन स्कूल जाएगा। और बाकी 50% का क्या होगा, बाकी 50% ऑनलाइन क्लास उसको मिल सकता है, नहीं तो अल्टरनेट भी हो सकता है, अल्टरनेट डे वो स्कूल जाएगा ये भी हो सकता है। मतलब ये जो रोज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है अराउंड 5 to 6 आवर्स इन अ डे, तो ये तो बच्चे लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। पेरेंट्स से जो पता चल रहा है कि उसका आँख का प्रॉब्लम, उसका बैठे हुए, उसका स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम, और ये फिर थोड़ा उसका मन भी हट रहा है, वो थोड़ा कंसंट्रेशन में भी उसको प्रॉब्लम हो रहा है, लगातार ऐसे देखते हुए वो हेडफोन यूज करते है, उसका कान का भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए उसको लगातार 5-6 डेज क्लास ऑनलाइन क्लासेस नहीं करके दो तीन दिन वो स्कूल जाएंगे और 2-3 दिन ऑनलाइन क्लास होगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और बाकी का क्या होगा, ये जो 10 टू 12 का स्टूडेंट स्कूल फर्स्ट जाएंगे 50% करके, तो ये पहले एक ट्रायल बेसिस पे देखा जाएगा कि क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। मतलब सैनिटाइजेशन, ये सब प्रोसेस जो है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह, ये तो टोटली फॉलो किया जाएगा। इसके दौरान भी क्या हो रहा है इस 14 डेज देखा जाएगा। फिर अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, सब ठीक ठाक रहा, तब क्या होगा, बाकी का जो स्टूडेंट है फ्रॉम 6 टू 9, दे ऑल्सो स्टार्ट टू गो टू स्कूल, वो लोग भी स्कूल धीरे धीरे जाना शुरू करेंगे। तो इसी ट्रायल बेसिस में ये प्रोसेस चलेगा। और क्या होगा, स्कूल को रिक्वेस्ट किया गया है कि 2 शिफ्ट में भाग हो जाए। मतलब एक तो रहेगा 8 to 11, 3 आवर्स। So, पहले जो 5 to 6 आवर्स होता था स्कूल, अभी ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा कि टाइम कम करना ही पड़ेगा। इतना 5 to 6 आवर्स एक बच्चा स्कूल में नहीं रहेगा, तो वो मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स रहेगा। तो स्कूल को क्या रिक्वेस्ट किया जाएगा कि 2 शिफ्ट में स्कूल होगा।
पहले तो एक 8 to 11 थ्री आवर्स का, फिर 12 to 3 सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट फॉर 8 to 11 एंड सेकेंड शिफ्ट फॉर 12 to 3। तो एक एक 50% स्टूडेंट अगर फर्स्ट शिफ्ट में आएगा तो 50% सेकेंड शिफ्ट में आएगा, ऐसा हो सकता है। तो और बीच का जो 1 आवर रह गया फ्रॉम 11 to 12, ये जो बीच का 1 आवर जो गैप है, ये गैप फिर से सैनिटाइजेशन में ये टाइम दिया जाएगा कि एक स्टूडेंट का लॉट चले जाएगा और शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट हो जाएगा, फिर से सैनिटाइज होगा, फिर सेकेंड शिफ्ट का जो स्टूडेंट वो लोग आएंगे। तो ऐसे हो सकता है, ऐसे मुझे जितना तक पता है कि ऐसा ही कुछ होगा। और बाकी का जो स्टूडेंट है, मतलब प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी, नर्सरी से लेके क्लास 5 तक, उन लोगों के लिए तो अभी कुछ न्यूज नहीं है। उन लोगों को अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है वही चलेगा, उन लोगों को स्कूल के ऑफलाइन क्लास के बारे में कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गया है अभी तक। यही डिसीजन है, वो लोग घर में रह के ही पढ़ाई करेंगे। और ये जो जहां ये जो 6 to 12 आएगा कि नहीं और क्या होगा, ये मेनली ये डिसाइड होगा कि उस स्टेट की हालत क्या है। जैसे कि हमको पता है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में बहुत सारा कोरोना का केस है, तो इधर उस सब जगह में थोड़ा ये कम होगा, मतलब स्टूडेंट ये स्कूल जो रीओपन का, ये जो अनलॉक का प्रोसेस है वो धीरे धीरे उधर चालू होगा। लेकिन जिस स्टेट में ज्यादा ये प्रॉब्लम नहीं है उस स्टेट में ये जल्दी जितना जल्दी हो सके स्टूडेंट को स्कूल में लाना है। और क्या है कि ये सब कुछ डिपेंड करता है कि पेरेंट्स कितना इसके ऊपर जोर देते हैं। जहां तक जो पता चला है कि जो लोग थोड़ा सोशली इकोनॉमिकली थोड़ा वीक पेरेंट्स है, मतलब जो लोग इतना लैपटॉप, इतना नेट, मोबाइल, बच्चे के लिए अलग सा मोबाइल, लैपटॉप, नेट ये सब प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों का ज्यादा चाहे कि स्कूल खुल जाए तो उन लोगों का बच्चा पढ़ सके। और थोड़ा जो सोशली स्ट्रांग है, दैट मीन्स इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, जो लोग ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं वो लोग भी चाहते हैं, लेकिन कम के बच्चे जाए, क्योंकि उसका लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो रहा है और बहुत सारा भी आँख में, कान में, स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रॉब्लम हो रहा है और लैक ऑफ कंसंट्रेशन मेन रीजन है। तो वो लोग भी चाहते हैं स्कूल ओपन हो, लेकिन बोथ पेरेंट्स, बोथ ऑफ द कैटेगरीज ऑफ पेरेंट्स चाहते हैं कि पहले तो ये एश्योर किया जाए स्कूल से, पेपर में नहीं, एकदम प्रैक्टिकली ये एप्लीकेबल हो के एकदम सैनिटाइजेशन और हर चीज फॉलो करके, ये सोशल डिस्टेंसिंग और हर चीज फॉलो करके ये हो, तभी पेरेंट्स लोग राजी होंगे, नहीं तो नहीं। और एक बात है कि ये जो स्कूल का स्टूडेंट, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ सब मिला के टोटल जो स्ट्रेंथ है उसका एक शिफ्ट में उसका 33%, मतलब 30% आउट ऑफ 100, 30% मींस टोटल, दैट मींस 33% वन थर्ड मींस 33% वो अटेंडेंस रहेगा एक शिफ्ट में, सब लोग एक साथ नहीं चले जाएंगे। जैसे स्टूडेंट का रिस्ट्रिक्शन होगा तैसे टीचर का, टीचिंग स्टाफ का, सबका, मतलब टोटल ये सब मिला के टोटल जो स्ट्रेंथ है स्कूल का उसका 33% एक साथ आ सकते हैं एक टाइम में, उससे ज्यादा नहीं। तो लगता है 31 अगस्त तक कुछ आ जाएगा कि ये अनलॉक स्कूल का जो ऑफलाइन टीचिंग अनलॉक होने का क्या प्रोसीड्योर है, क्या है, ये 31 अगस्त तक शायद आ जाएगा। और ये स्कूल को, और पहले तो स्टेट को, हर स्टेट को इन्फॉर्म किया जाएगा, फिर स्टेट स्कूल को इन्फॉर्म करेगा और प्रिंसिपल को, और फिर डिसीजन लिया जाएगा कि क्या होता है और क्या नहीं।
मुझे तो लगता है सितंबर 1 तो सुनने में आया है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है सितंबर 1 नहीं भी हो सकता है कुछ कुछ जगह, लेकिन एंड ऑफ सितंबर तो स्कूल खुल ही जाएगा। ये मेरा इंट्यूशन कहता है और मेरा नॉलेज कहता है कि एंड ऑफ सितंबर तक मुझे जो सुनने में आया है खुल जा रहा है स्कूल, लेकिन सब एक साथ नहीं, ऐसा प्रोसेस फॉलो करके। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड सपोर्ट मी। बाय।